Good evening, students. Now I am sharing a topic of electric current, chapter electricity. It is the amount of electric charge passing through a given point of a conductor in 1 second. अब electric current है क्या कि कोई भी conductor है और conductor में electrons हैं और जब हम current start करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस होते हैं उनमें मूवमेंट शुरू हो जाती है. तो हमने ये देखना है कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है एक सेकंड में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. करंट क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी. आई क्या होता है? करंट होता है. क्यू क्या होता है? चार्ज होता है. टी होता है सेकेंड. कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने सेकेंड में फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. जो SI यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के उसको हम एम्पियर बोलते हैं और उसको उसका जो सिंबल होता है वो ए होता है. 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या है कि 1 कूलम. क्यू के चार्जेस क्या होते हैं? 1 कूलम. कितने 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया कंडक्टर में एक सेकंड में, उस इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पेयर. 1 एम्पेयर आई को हम क्या लिखेंगे? आई के यूनिट्स क्या होते हैं? 1 एम्पेयर. 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. तो 1 एम्पेयर को लिखेंगे 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. करंट को हम जो मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं एमीटर. एमीटर जो होते हैं वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं. लास्ट टाइम हमने कहा था कि जो वोल्टेज होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं और वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है. लेकिन जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है और उसको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं. एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, लो होता है. और इसका नेक्स्ट जो सैंपल प्रॉब्लम हमें गिवन दी हुई है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर. अब हमें करंट गिवन है 0.25 एम्पेयर फॉर 20 मिनट्स. टी हो जाएगा हमारे पास 20 मिनट्स और इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. 20 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास 1200 सेकंड्स आ जाएंगे. और हमने निकालना क्या है? कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो क्यों क्या होता है हमारे पास? आई टी, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाय टी. तो क्यू क्या हो जाएगा? आई मल्टीप्लाई टी. तो आई हमारे पास कितना है? 0.25 मल्टीप्लाई 1200. तो 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1200, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर देना है. 25 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? 300 कूलम्स. तो साथ में यूनिट्स लिखना कभी मत भूलिएगा, यूनिट्स लिखने जरूरी है. हाउ टू गेट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमें कैसे कॉन्टिन्यूस करंट जो है फ्लो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, कैसे वो होता है? ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस. अब जो बैटरी आप ले रहे हो, चाहे वो ड्राई सेल है, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होगा इनसाइड द सेल और बैटरी, तो जो केमिकल रिएक्शंस होगा उससे जो चार्जेस में मूवमेंट शुरू होगी, फ्लो होंगे, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी जो कनेक्टेड है वायर के साथ उस पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही करंट को ड्राइव करेगा पूरे सर्किट में जो सेल और बैटरी के साथ कनेक्टेड है. तो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से शुरू होती है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से तक जाती है. मतलब जो ये बैटरी है, जो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये इसकी डायरेक्शन होती है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर. करंट जो है वायर में फ्लो कैसे होते हैं? अगर आप किसी मेटल वायर को किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सेल और बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, अगर आपने किसी वायर को टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सेल्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे. जैसे ही आप किसी वायर को सेल टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और सेल के साथ कनेक्टेड करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है. और जो करंट होता है वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है, लेकिन जो उसके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो करंट के ऑपोजिट होती है. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट वो एक कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ है
जिसमें वायर भी होती है, अदर रेजिस्टेंसेस जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड होता है, स्विच लगा होता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और बैटरी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, जैसे सेल का सिंबल दिया हुआ है, दो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है, अगर बैटरी में दो सेल्स लगे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से शो करेंगे, कनेक्टिंग वायर का सिंबल ऐसे होता है, वायर ज्वाइंट का सिंबल इस तरीके से होता है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, अगर वायर क्रॉस करे विदाउट किसी कॉन्टेक्ट के तो इस तरह से हम शो करेंगे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से शो करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टैट भी बोलते हैं, जैसे ही हम रियोस्टैट को बार बार मूव करेंगे तो करंट और वोल्टेज की जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहेंगी। एमीटर का सिंबल ये होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल वी, पॉजिटिव नेगेटिव, गैल्वेनोमीटर जो हमें डायरेक्शन बताता है करंट की, एंटी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ओपन स्विच ये होता है इस तरीके का सिंबल था, क्लोज्ड स्विच इस तरह का, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल जो है ये होता है। थैंक यू।